नमस्कार दोस्तों, IDFC फास्ट बैंक के शेयर में आज के ट्रेडिंग सेशन में 1.76% की क्लियर आपको तेजी दिखाई दे रहा है। तो उसी के साथ देखेंगे स्टॉक में पिछले 3 दिन से लगातार स्टॉक में की तेजी का मोमेंट बना हुआ है। तो यहाँ पर सवाल आ रहा है, क्या स्टॉक में और भी गिरावट आने वाला है या फिर यहाँ पर इसी तेजी को कंटिन्यू करेगा? अगर ऊपर बढ़ते तो क्या टारगेट रहेगा, नीचे जाएगा तो क्या सपोर्ट लेवल रहेगा? सभी कंडीशन को इस वीडियो में क्लियरली समझेंगे, तो इस वीडियो को कंप्लीटली एंड तक जरूर देखिए। दोस्तों, IDFC फास्ट बैंक को डिटेल में समझने के लिए मैं आपको लेकर चलता हूँ वीकली टाइम फ्रेम पर। हम चार्ट को वीकली टाइम फ्रेम पे नोटिस कर रहे हैं तो देख सकते हो ओवरली स्टॉक अप एक्जैक्टली एक डाउन ट्रेंड में कंटिन्यू करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो साथ साथ ये भी देख सकते हो कि स्टॉक अपना ट्रेलिंग को रेजिस्टेंस बनाकर नीचे आता हुआ नजर आ रहा है और अपने सपोर्ट लेवल को तोड़कर यानी कि ब्रेकडाउन करके नीचे जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अभी यहाँ पर एक सपोर्ट लेवल था जहाँ से स्टॉक एक बाउंस करता हमें देखने को मिल रहा है और एक सपोर्ट लेवल भी यहाँ पर नजर आ रहा है जो कि 52.46 का। दोस्तों, ये चीज़ें जो है स्टॉक बार बार जो है जैसे आप देख रहे हैं रेजिस्टेंस बना के नीचे आ रहे हैं, तो जब ब्रेकआउट करेगा तभी जाकर स्टॉक में एक अच्छा खासा मोमेंट दिखा सकते हैं ऊपर के साइड में, राइट। तो यहाँ पर जो लेबल्स है वो मैंने आपके सामने क्लियरली ड्रॉ किया है 70.6 का और एक रेजिस्टेंस लेवल हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पर है जो कि 76 का है। अगर 76 को ब्रेकआउट करे तो फिर रहेगा 77 या 78 का, नेक्स्ट हमें दिखाई दे रहा है 84.4 में। स्टॉक में कोई भी बाय सेल होल्ड करने की सलाह सुझाव नहीं है, वीडियो सिर्फ एक एजुकेशन पर्पज में है। इस वीडियो को एक लाइक करें। सो धन्यवाद।